संदेश है लोगों के लिए कि कोरोना के संकट से अभी अभी हम लोग थोड़ी राहत पाए हैं, लेकिन आगे तीसरी लहर की भी आशंका है। तो सब लोग लापरवाही न बरतें, मास्क लगाकर रखें, दूरी बनाने का प्रयास करें। कोरोना से बचाव सब लोगों के लिए जरूरी है और बिहार की सरकार, भारत की सरकार सब लोग लगी हुई है, सब सरकार लगी हुई है कि कैसे लोगों को बचाया जा सके। सब लोग वैक्सीन ले लें और सरकार की ओर से जो योजना चल रही है उन योजनाओं का लाभ लें, अधिक से अधिक लाभ लें ताकि सब लोग बच सकें। हाँ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस यात्रा में। हर जगह जहां भी जा रहे हैं लोगों का भरोसा माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर बहुत ही अधिक है और हर तरह से, चाहे आम जनता हो या पार्टी के साथी हो, सब लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। सर, बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जो कोरोना में मरने वालों को सर मुआवजा दे रहा है। हाँ, 4 लाख रुपया मुआवजा देने वाली बिहार की पहली सरकार है। देश भर में और राज्यों के मुकाबले बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले फैसला लिया कि कोरोना के चलते अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उनके परिवार के लोगों को मुआवजा के तौर पे 4 लाख रुपया दिया जाएगा। यह पहला राज्य ऐसा है। कुछ उलट फिर होने की संभावना? अरे, उलट फिर की बात हम कहाँ कर रहे हैं यार। हम कह रहे हैं कि उनके अंदर जो परिस्थिति है अपने आप आगे आने वाले दिनों में परिणति देखिएगा। हम लोग, कोई पार्टी टूट जाए इसमें हम लोगों की कोई रुचि नहीं है। लेकिन कब तक संभावना है? अरे, किस बात की संभावना आपका? हम लोगों की कोई रुचि नहीं कोई पार्टी। आपने कहा सर घुटन हो रही है, घुटन है तो कितना दिन घुटन बर्दाश्त करेंगे, तो उनके ऊपर है ना।